प्रेजेंट सर, नमस्कार, आदाब, और आप सभी का फिर से स्वागत है हिंद की पुकार पे। मैं अनुराग, और जो मैंने अभी ये किया उसके पीछे की वजह आपको वीडियो में जरूर पता चलेगी। अब चले आते हैं मुद्दे पे। आज का मुद्दा है मध्य प्रदेश में लिए गए ऐसे एक अजीब फैसले के बारे में जिसने सारे स्टूडेंट्स को सोचने में मजबूर कर दिया है कि वेयर द कंट्री इज हेडिंग टूवर्ड्स, हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। चलिए आते हैं फैसले के ऊपर। हाल ही में ये फैसला लिया गया मध्य प्रदेश में कि सारे स्कूल्स में जो है जब किसी का रोल कॉल बुलाया जाता है, जब भी हम क्लास में बैठे रहते हैं और हमारा अटेंडेंस लिया जाता है, तब आप क्या बोलोगे जब आपका रोल नंबर बुलाया जाता है? यस सर, यस मैम, या फिर प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम। पर यहाँ इस फैसले के चलते ये बोला जाएगा यस सर यस मैम के बजाय जय हिंद बोला जाएगा आपसे। व्हेनेवर योर रोल नंबर इज कॉल्ड आउट यू हैव टू से जय हिंद। सो दिस माना जा रहा है कि ये जो फैसला है ये देशभक्ति को बढ़ाने में या फिर बच्चों में जो देशभक्ति की भावना है उसको लाने में मदद करेगी। पर मेरे तो समझ में बिल्कुल नहीं आया कि देशभक्ति ऐसे रोल नंबर जब बुलाया जाएगा तुम जय हिंद बोलोगे और देशभक्ति कैसे बढ़ेगी। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, ये मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया फैसले को लेकर। आजकल देश में बहुत अजीब अजीब फैसले लिए जा रहे हैं, तो दिस इज नॉट ए न्यू थिंग, बट स्कूल या फिर एजुकेशन को लेके जब भी कुछ होता है तो इट मेक्स अस थिंक दैट व्हाट इज हैपनिंग विद दिस कंट्री। अब चलिए, अब देखिए, देशभक्ति, पेट्रियाटिज्म, ऑल दिस इट शुड बी बाई हार्ट। वन शुड हैव पेट्रियाटिज्म, वन शुड हैव लव फॉर दिस कंट्री इन हिज हार्ट। वो सच्चा होता है, वो लाया नहीं जाता, वो अपने आप बढ़ता है। यू डोंट फोर्स पेट्रियाटिज्म, आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर, जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते। मे इट बी पेट्रियाटिज्म, मे इट बी एनीथिंग इन लाइफ। सो ये फैसला मैं कहना चाहूँगा मोर ऑफ थोपना होगा देशभक्ति बच्चों के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे जो है क्या समझते हैं यार, उनको 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे दिनों में क्या होता है स्कूल्स में आजकल? फ्लैग होस्टिंग होता है, यू सिंग द नेशनल एंथम, तुम्हें बिस्किट या चॉकलेट बांटे जाएंगे, एंड यू गो होम। दैट इज व्हाट हैपेंस इन दिस कंट्री। सो उनको उनका ही ये दिनों का ही अगर ठीक से उनको पता चल जाए तो देश का जो फ्यूचर है वो बहुत उज्ज्वल होगा। बट दे आर वेरी स्मॉल, किड्स आर वेरी स्मॉल, एंड उनको क्या समझ होगी। अब जय हिंद बोलने से आई डोंट थिंक सो कि पेट्रियाटिज्म बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर कुछ होगा। आई डोंट थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस। सो लाने की जरूरत क्या है पेट्रियाटिज्म के बजाय? लाने की जरूरत ये है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर स्कूल्स में हो, स्कूल्स में इन जनरल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको बढ़ाना चाहिए, और या द क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है, टीचर्स जो शिक्षक है, अच्छे से अच्छे शिक्षक नियुक्त करने चाहिए। इनसे देश की प्रगति होगी, क्योंकि चिल्ड्रन, दिस अपकमिंग जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, दे आर द फ्लैग बेयरर्स ऑफ आवर कंट्री, एंड दैट इज द वे हाउ यू डेवलप द कंट्री, नॉट बाय सेइंग जय हिंद फॉर योर रोल कॉल। इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट के पेट्रियाटिज्म जो है हर एक सिटीजन में होना चाहिए, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ सच अ बिग कंट्री, सच अ रिस्पेक्टेड एंड प्रिविलेज कंट्री। आई एम प्रिविलेज टू बी अ इंडियन, बट देन पेट्रियाटिज्म को फोर्स करना एक इंडिविजुअल के ऊपर, दैट इज नॉट द राइट वे अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज व्हाट इट इज। यू कांट फोर्स पेट्रियाटिज्म, यू कांट फोर्स एनीथिंग, दैट इज व्हाट आई सेड अर्लियर, कि थोपना गलत बात है। देशभक्ति या फिर देश के लिए जो प्यार सम्मान है वो अपने आप आएगा, वो अपने आप बढ़ता है, दिल में अपने आप होता है, किसी के कहने से या फिर किसी के कहलवाने से नहीं होता वो। ये बात समझनी चाहिए देश के नेताओं को। अजीब अजीब फैसले लेकर बच्चों से ये कहलवा कर आप थोड़ी ना सो बोलोगे कि इंडिया में सारे सिटीजन जो है दे आर पेट्रियोटिक, बिकॉज रोल नंबर कॉल आएगा, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंट। जय हिंद बोलने से यू वोंट बी कॉल्ड पेट्रियोटिक, तुम्हें देशभक्त नहीं कहलाया जाएगा अगर तुम रोल कॉल में जय हिंद बोलोगे। इट इज टू बी नोटिस दैट के ये सब बातें, ये सब देशभक्ति की जो हम बातें करते हैं वो राइट प्लेस राइट टाइम पे करनी चाहिए, नॉट एवरीवेयर यू वॉन्ट, बिकॉज इट मैटर्स।
इट इज व्हेन बिकॉज दिस इज अबाउट द कंट्री व्हेन इट कम्स टू कंट्री व्हेन इट कम्स टू लव फॉर योर कंट्री रिस्पेक्ट फॉर योर कंट्री यू कांट शो इट बाय एनी ऑकवर्ड और वियर्ड वे आई वुड से स्टूपिड वे एज यू वांट इससे देशभक्ति नहीं होगी दिस वुड ये फैसला मुझे अभी तक समझ नहीं आया दिमाग के अंदर ही नहीं गया दिमाग के ऊपर से मेरे जा रहा है ये फैसला आजकल के नेता देश को लेकर अजीब अजीब जो फैसले कर रहे हैं वो देश को कहाँ ले जाएगा दैट इज द मेन थिंग सो मेरा रोल नंबर प्रेजेंट कहने का मतलब यही था टू स्टार्ट द टॉपिक इन अ मच मोर इंटरैक्टिव वे आई वुड से कि ऐसे अजीब अजीब फैसले बंद करे और देशभक्ति और देश प्रेम को सही तरीके से जो है वो बढ़ाए in a way that matters, in a way in which people will understand, in a way where people have their choice, their freedom to show their respect and love towards their country and not by forcing patriotism on them. That is what I wanted to say. Dekha jayega aage kya hoga. ऐसे ही अलग अलग फैसले पहले भी बहुत आ चुके हैं जहां पर स्कूल्स में हर रोज फ्लैग होस्टिंग करके नेशनल एंथम गाना भी मैंडेटरी किया गया था सिनेमा घरों में भी मैंडेटरी किया गया था फिर अभी इट इज अपॉन अस बिकॉज यू कांट फोर्स एन इंडिविजुअल टू डू समथिंग इट इज डिपेंडेंट ऑन देम वेदर दे विल डू इट और नॉट एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री हैज देयर ओन राइट ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट स्पीकिंग सो व्हेन दे फील कंफर्टेबल व्हेन दे फील to speak when they feel like speaking when they feel like standing up for themselves they will do it by themselves you can't force that is what I want to say the main message in this video is that and thank you so much bahut 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 shukriya ye video dekhne ke liye aur aap logo ka support mujhe aur acha karne ki jo motivation hai wo deta jayega so please keep watching the videos keep liking it and this will motivate me to do better to improve myself and to put up the messages in much more interactive and proper way in front of you guys so thank you so much and please like the video comment if you have any things to say in the comment section and share as much as possible because these kind of messages and these kind of things should reach to maximum number of people so that people would be aware of what is happening in the country so एंड प्लीज वहां पे घंटी दिखेगी उसे जरूर बजाइएगा और अपने आप को सूचित रखिएगा हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए टिल देन थैंक यू सो मच एंड जय हिंद